ये सब जानता हूँ, आपको पसंद नहीं है मतलब ये सब सामान वामान देना, कुछ नहीं पता है? नहीं पता है भाई। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से। किसी भी दवाई का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं, दवाई का उपयोग नहीं किया। ये एकदम ओनली लड़की का मोबाइल छीनकर भाग गया। खाली है हो आप, ना मेल है ना फीमेल, आप बीच वाला है। हटिया से चलकर गोरखपुर को जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस। जय हिंद, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और नई रेल सफर में, और स्वागत कर रहा हूँ आपका झारखंड की राजधानी रांची रेलवे स्टेशन से। और आज हम सफर करेंगे रांची के हटिया और गोरखपुर के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन 1:50:27 मौर्य एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। सफर बहुत अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए रांची रेलवे स्टेशन में हमारे देश के सुरक्षाकर्मी इंडियन आर्मी की फौज। हटिया से ये गाड़ी चलती है 4:50 में, और रांची में इसका आने का टाइमिंग है 5:10 पर, और ये गाड़ी गोरखपुर पहुंचेगी कल 4:20 पर, यानी लगभग 850 किलोमीटर ये मौर्य एक्सप्रेस तय करती है 23.5 घंटे में। और स्टॉपेज भी काफ़ी ज़्यादा है, टोटल 42 स्टेशनों पर रुकती है। और चल चुकी है रांची से सासाराम जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, और फिलहाल हमारी मौर्य एक्सप्रेस भी आ चुकी है रांची के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर वैफ 7 लोकोमोटिव के साथ। आता है और मेरा D8 कोच है मौर्य एक्सप्रेस, इसका D9 D8 आगे की ओर है इस वाली रेक का गोरखपुर जाते वक्त। मौर्य एक्सप्रेस ये है मेरा कोच D8, और कुछ ऐसा है इस मौर्य एक्सप्रेस के सेकंड क्लास का इंटीरियर। देखिए चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ, काम कर रहा है कि नहीं? हो, साफ सफाई भी काफी अच्छी है, और ऊपर भी सो सकते हैं, इसका नहीं होता रिजर्वेशन। मेरा 51 सीट है जो कि विंडो साइड सीट है, 50 ये 51 हमारा है, ठीक है? नहीं भाई, हमको अरे भाई कि हमको ही पसंद है विंडो साइड में देखने, उल्टा पड़ जाएगा ना। अरे नहीं रे भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अरे मजाक किए, बैठिए, हम मजाक किए हैं, बैठिए, ऐसे ही बोल रहे थे, देखते हैं कितना आपको इसी हम देख रहे थे। इतने जल्दी आप हार कहे मान लिए? थोड़ा सा मज़ कन्वेंस कीजिए, हम थोड़ा सा तेल लगवा रहे थे आप तुरंत। नहीं नहीं, चलिए फिलहाल चल चुकी है हमारी मौर्य एक्सप्रेस रांची के एक नंबर प्लेटफॉर्म से ऑन टाइम 5:20 में। इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी 60 किलोमीटर बाद मूरी जंक्शन, और इस 60 किलोमीटर के बीच ये मौर्य एक्सप्रेस बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरताओं से होकर गुजरेगी। बहुत सारे लोग इस नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए विंडो सीट पर बैठना पसंद करते हैं, है ना? बाय बाय रांची, रांची जंक्शन। बहुत जल्द रांची जंक्शन से दिल्ली के लिए ट्रेन लेंगे, अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द। Oh,
असली प्राकृतिक सौंदर्य देखिए, पूरा हमारा ट्रेन यू टर्न मार रही है। दोस्तों इस रूट पर गाड़ी बहुत ज़्यादा कर्व मारती है और बार बार कर्व मारती ही रहती है। एक कर्व पार किए फिर दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, और दोनों साइड से प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है, तो देख कर बड़ा मन को मतलब खुशी मिलती है। रांची का ये घाट सेक्शन देखने में बड़ा मज़ा आता है। इस रूट से कभी गुजरिएगा तो ये सब जो प्राकृतिक सौंदर्य है मिस मत कीजिएगा, या तो विंडो साइड या फिर गेट के पास आ जाइएगा। मौर्य एक्सप्रेस भी काफ़ी लंबी ट्रेन है, टोटल 23 डब्बों की, इसलिए जब ट्रेन देखिए कर्व लेती है तब देखने में बड़ा मज़ा आता है। फिर से गाड़ी कर्व ले रही है। प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है मगर, और झारखंड तो आपको पता ही है, झारखंड प्राकृतिक सुंदरता ये आपको ज़रूर मिलेगी। तो मूरी जंक्शन पहुंच चुके हैं हम, और ये है मूरी जंक्शन का एक नंबर प्लेटफॉर्म। गाड़ी यहाँ पहुंची है 6:19 पर। तो बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरताओं का नज़ारा लेने के बाद रांची से लगभग 60 किलोमीटर के बाद हमारी ये मौर्य एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मूरी जंक्शन, जो कि आता है झारखंड के रांची ज़िले में ही, और रेलवे के हिसाब से भी ये साउथ ईस्टर्न जोन के रांची डिवीज़न में ही आता है। बाकी ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमारी ट्रेन जाएगी बोकारो स्टील सिटी धनबाद की ओर, इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन जाती है टाटा नगर की ओर, और एक लाइन जाती है यहाँ से बरका काना की ओर। यहाँ से आप बरका काना भी जा सकते ना हो जी। गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है, लेकिन 10 मिनट रुकेगी क्योंकि 5 मिनट बिफोर आई है, और 3 प्लेटफॉर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये मूरी जंक्शन। और भाई कुछ पता है मूरी जंक्शन के बारे में? नहीं भाई, कभी आया ही नहीं है। तो नहीं, हम देखे तुम कुछ थोड़ा सा स्माइल कर रहा था, तो कुछ हम देख रहे थे आपको क्या कुछ कर रहा जानकारी था? पता होगा, कुछ नहीं पता है? नहीं पता है भाई। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से इस गाड़ी से कहाँ जाइएगा? डमरू जाएंगे। कहाँ? डमरू। ये कहाँ है? उधर ही है। इसका तो डमरू का स्टॉपेज नहीं है, धनबाद है। झाझा उतर के जाएंगे। कहाँ उतरेगा? कोटशिला में। अच्छा, कोटशिला ये गाड़ी यहाँ से चलने के बाद रुकेगी। कोटशिला जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि वहाँ से एक लाइन जाती है टाटा नगर की ओर, पुरुलिया की ओर, और कोटशिला पड़ता है बंगाल में, बंगाल के पुरुलिया ज़िले में। फिलहाल हमारी ये मौर्य एक्सप्रेस निकल चुकी है मूरी जंक्शन से 6:30 PM। अब ये रुकी कोटशिला, जो कि आता है बंगाल में, बंगाल के पुरुलिया ज़िले में, और उसके बाद फिर बोकारो स्टील सिटी। अच्छा, बोकारो स्टील सिटी से ये भाई, यहाँ पर नाम क्या हुआ? हाँ जी सर, मेरा नाम दुर्गा आजम हुआ। अच्छा, तो आजम भाई बोकारो क्यों फेमस है आपका? सर एक्चुअली वहाँ पे तो देखा जाए तो सबसे साफ सुथरा स्टेशन है अपना बोकारो स्टेशन, पूरा झारखंड में देखा जाए तो एक्चुअली वो बहुत साफ सुथरा स्टेशन है। और मेरा एक्चुअली मेरा गांव पड़ता है आशा विहार, ठीक है, तो मेरा गांव ही प्रसिद्ध है, एक्चुअली मेरा गांव ही प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है एक्यूपंक्चर का स्पेशल, वहाँ पे पैरालिसिस का जो भी पेशेंट आते हैं वो वहाँ पे 100% फिट होके जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ना ही वहाँ पे अंग्रेज वाला कुछ दवा मिलता है और ना ही कुछ अलग का टाइप का दवा लिखते हैं जिससे वो हानि करे, वो एक्यूपंक्चर सब जो होता है उसी से वो ठीक करते हैं। मतलब पैरालिसिस पेशेंट जो है वहाँ ठीक किया जाता है। जी जी। तो दोस्तों कौन सा गाँव है? सर ये चिलगड्डा पड़ता है, चिलगड्डा के छोटा मोटा शहर है वो हम लोग का है, बट वो आशा विहार एक हॉस्पिटल का नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आशा विहार एक हॉस्पिटल है, बोकारो से कितना दूर है? बोकारो से आपका सर पड़ जाएगा वही 15-20 किलोमीटर बस। बोकारो से 15-20 किलोमीटर दूर है, यदि पैरालिसिस पेशेंट कोई है तो भैया जो बता रहे हैं जिस जगह का नाम वहाँ पर एक बार ट्राई कीजिएगा। किसी भी दवाई का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं, दवाई एक्यूप्रेशर से ये एकदम ओनली फॉर इक्यूप्रेशर। अच्छा, तो देखिए कितना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है भाई ने दे दिया, धन्यवाद भाई आपका। बहुत हमारे अभी कोई सब्सक्राइबर भाई देख रहे हैं तो ये जानकारी उनके लिए है जिनको मतलब ये सब बीमारी है। बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी पहुँच चुके हैं हम, और ये है बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन का एक नंबर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर लाइट की कमी है, आगे लाइट सही है, उस और थोड़ा लाइट की कमी है, यहाँ से एकदम चकाचक है। तो झारखंड का चौथा सबसे बड़ा शहर बोकारो स्टील सिटी में आपका स्वागत है, और यहाँ देखिए हमारे रन ऑन ट्रैक फैमिली के मेंबर हमसे और आप लोगों से मिलने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन भाई। तो रोशन भाई सबसे पहले हम लोगों के भाई को हाय बोलो। हाय।
हाँ अब ठीक है। तब अपने भाई कुछ बताइए, ये भाई बोल रहे हैं क्या बना रहे हैं, एक मिनट थोड़ा हम पहले बना लेते हैं तब तेरे को बताते हैं। अच्छा ठीक है, बना लेंगे। हाँ तो रोशन भाई आप सही में बोकारो में क्या स्टील प्लांट है? बोकारो में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बहुत बड़ा लोहे बनाने का फैक्ट्री मौजूद है, जो कि बोकारो में भी है और बनपुर आसनसोल में भी है, राउरकेला में भी है, भिलाई में भी है, सबसे बड़ा भिलाई का है। और ये बोकारो प्लांट सिटी है, यानी कि नियोजित शहर है, बड़ा ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन शहर है। कभी मौका मिलेगा जीवन में तो बोकारो जरूर आइएगा, है कि नहीं? हाँ। थोड़ा साइड जाओ भाई, नो बिल नो पे। बिल देता है कि नहीं देता है? नहीं मिलता है। तब अच्छा लगा आपसे मिलके रोशन भाई, ऐसा ही भाई ने इंस्टाग्राम पे चैट किया था कि भैया आपसे मिलना है, तो हम थोड़ा इसका टिकट का फोटो आपको भेज दिए थे। आज से हम आपके इंतजार नहीं कर रहे, तो बहुत दिन हो गया। बोकारो तो नाम ही भूल गया। तो चल चुकी है हमारी ये मौर्या एक्सप्रेस बोकारो स्टील सिटी से। रोशन भाई जान नहीं सब, ये सब हम नहीं लेते। अरे ये सब नहीं, रोशन भाई ने गिफ्ट लाया है, काची है इसमें, आप देख लीजिए। अच्छा हम देख लेंगे, ये सब जानता है हमको पसंद नहीं है, मतलब ये सब सामान वामान देना हमको। तुम लाइक करता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे कोई हमसे बोकारो में आके मिलने आया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है तब किसी साथ में ट्रेन जर्नी करते हैं। धन्यवाद रोशन, रोशन भाई टाटा बाय बाय। और धन्यवाद, रात का खाना नहीं खरीदना होगा, वैसे भी इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है। बहुत कुछ दिया है ना भैया, सबसे पहले ये भैया से मिल लीजिए। ये भैया जम्मू ही जा रहे हैं ना, वो रांची में कौन सा बोले थे, कहाँ? रिम्स में। हाँ रिम्स में, रिम्स कोर्स कर रहे हैं। हाँ रिम्स का कोर्स कर रहे हैं। हाँ तो रोशन बाबू ने देखिए क्या क्या दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। माजा है, जरूरत है इतना खर्चा करने का, चिप्स है, बिस्कुट है, बिस्कुट वो मतलब चुन चुन के दिया है, महंगा वाला ब्लैक बर्बन, मतलब देखिए कितना प्यार, देखिए सब्सक्राइबर लोग का प्यार देखिए, केक दिया है। धन्यवाद रोशन भाई। हाँ कुरकुरे भी दे दिया है और माजा भी दे दिया है। धन्यवाद रोशन भाई, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि देखिए हमें पता है थोड़ा सा आपका खर्चा हो गया, लेकिन देखिए भैया मिलने को आया है ना प्लेटफॉर्म पे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ना। इतना सारा पैसा खर्चा किया, इतना सारा पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत था? वो भी तो होगा स्टूडेंट ही ना। वो भी वही ना, क्या ज़रूरत था। धन्यवाद रोशन भाई, और कभी आप मेरे संग ट्रैवल कीजिएगा, हम भी खर्चा करेंगे, इन सब चीज़ों का कर जो है ना पूरा कर देंगे। खाइए ना, हम अकेले खाए सब चीज़ खाइए। अरे खाइए ना, कम से कम मज़ा पीजिए ना, बिस्कुट खाइए मज़ा पीजिए। चंद्रपुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं हम, और हमारी ये मौर्या एक्सप्रेस, और ये शायद चंद्रपुरा का एक नंबर प्लेटफॉर्म है, चंद्रपुरा जंक्शन। हाँ एक नंबर प्लेटफॉर्म ही है, और ये है चंद्रपुरा का मेन गेट, चंद्रपुरा जंक्शन। ये चंद्रपुरा भी आता है बोकारो ज़िले में ही, और ये भैया भी चंद्रपुरा के ही हैं। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि हम जा रहे हैं बोकारो की, और इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है महोड़ा के रास्ते आद्रा, और एक लाइन जाती है यहाँ से बरका काना की, हो ना भैया? रेलवे के हिसाब से ये चंद्रपुरा आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद डिवीज़न में। और गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है, चंद्रपुरा जंक्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ लिखा हुआ अभी है महोदा धनबाद रांची बरका काना और बोकारो स्टील सिटी जाने के लिए यहाँ गाड़ी बदलिए। अभिनव भैया से मिलिए, अभिनव भैया ये भैया। हाँ उस समय क्या चीज़ बोल रहे थे हमको समझ में नहीं आया, हमको सही में बोला, हमको समझ में नहीं, हम झूठ मूठ का हाँ 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 कर दिए थे। किस चीज़ का स्टूडेंट है? DLHS डिप्लोमा हेयरिंग लैंग्वेज स्पीच। अच्छा रांची। अच्छा रांची से, रिम्स से। रिम्स से। अच्छा हाँ रिम्स जो एक बहुत बड़ा ये है ना रांची का फेमस है। हाँ ये रांची में जो भी है, भैया जा रहे हैं जम्मू, अब जम्मू में ही रहेंगे ना भैया? हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, लास्ट एग्जाम था आज। भैया का कोर्स कंप्लीट हो गया। तो एक चीज़ आप लोग गौर किए हैं, यहाँ देखिए इस गेट के बगल वाला जो खिड़की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 ग्रिल दिए हुए हैं, और इसमें 4 ग्रिल दिए हुए हैं, यानी कि इसमें डबल ग्रिल दिया हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि जो मोबाइल चोर होते हैं वो गेट के पास खड़ा होकर और अपने हाथ से किसी का फ़ोन ना छीन ले, किसी का पर्स ना छीन ले,
या किसी का अमानती सामान छीन के भाग ना जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिया जाता है। और हम बहुत बार देखे हैं, हालांकि हम बिहार से ही हैं लेकिन बिहार में ही हम ज़्यादा देखे हैं, भागलपुर जब ट्रेन घुसती है, पटना जब ट्रेन घुसती है, और एक कटिहार में भी देखे थे, पता है आपको, कटिहार में भी देखे थे, ये सब चीज़ ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप लोगों का सीट पड़े जस्ट गेट का बगल में, जैसे ये गेट है और यहाँ आपका सीट पड़े, तो बड़े बड़े स्टेशन चाहे वैसे भी मोबाइल वोबाइल ना चलाया कीजिए, चोर लोगों की कमी नहीं है, है कि नहीं भैया। जैसे ही ट्रेन भागलपुर में इंटर कर रही थी ना, तो इंटर के पास देखे थे एक लड़की का मोबाइल छीन कर भाग गया। तो ये सब चीज़ ट्रेनों में सफ़र करते वक्त ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। और आपको पता ही है मेरा ज़्यादातर वीडियो इन्हीं लोगों पर आधारित रहता है। वसूली में हम यहाँ भी आ रहे हैं, पूरा गाड़ी खाली है। वसूली मैम गाड़ी खाली है हो। मौर्य एक्सप्रेस में भी वसूली मैम। पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है साड़ी पहन लो भैया, ठीक है, उसके बाद ताली बजाना आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छा सा भारी आवाज़ कर लीजिए, उसके बाद देखिए। और ऐसे कीजिए ना, ऐसा रिएक्ट कीजिए ना, ऐसा व्यवहार कीजिए ना कि लगे कि हाँ आप ना मेल है ना फीमेल, आप बीच वाला है, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेगा उल्टा और आपको 10-20 देगा। हाँ, रन ऑन ट्रैक। तो धनबाद जंक्शन पहुँच चुकी है हमारी ये मौर्य एक्सप्रेस, और ये है धनबाद जंक्शन का 7 नंबर प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर ये गाड़ी थोड़ा भरेगी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ बोर्डिंग करने के लिए, काफ़ी लोग हैं। और समय भी देख लीजिए, समय हो चुका है 9:36, यानी गाड़ी यहाँ काफ़ी बिफोर आई है, 9:55 में इसका यहाँ आने का टाइमिंग था। तो स्वागत है आपका कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद में, धनबाद जो कि झारखंड का एक बहुत बड़ा शहर भी है, और रेलवे के हिसाब से एशिया ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के धनबाद डिवीजन में ही है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि रांची की ओर से हम आ रहे हैं, और इस वाली दिल्ली वाली लाइन में, हावड़ा दिल्ली कॉर्ड लाइन में हमारी ये मौर्य एक्सप्रेस इंटर कर गई है, और कुल्टी बराकर, बराकर के बाद फिर से ये चली जाएगी हावड़ा दिल्ली मेन लाइन में। बाकी धनबाद हम लोग जब, हमारे जो आसनसोल के बहुत सारे दोस्त धनबाद में कॉलेज, धनबाद के कॉलेज में लेते हैं एडमिशन, क्योंकि यहाँ जो है कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, मतलब जाना पड़ता है सिर्फ एग्ज़ाम देने के वक्त, और बंगाल में मतलब ज़्यादा मांगता है अटेंडेंस, मिनिमम 70%। बाकी गाड़ी हमारी यहाँ से रात 10 बजे चलेगी, मिलते हैं आपसे सीधा जमुई में जब भैया विदा होंगे तब। और हाँ, सीधा मिलते जमुई में ही। फिलहाल के लिए मेरी तरफ, मेरे और मेरे इस अभिनव भैया की तरफ से गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ आपको इस मौर्य एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी पसंद आ रही होगी, काहे कि इस वाली जर्नी में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बस अभिनव भैया से मिल लीजिए। हम तो चिल्ला चिल्ली का चिल्ला पर है, यह चिल्ला चिल्ली तो है के ना, जब को हमारे का नींद तोर हमारी और बोगी में हम 20 रुपया दे ले चल गए, हां 20 वो दे देते चमड़ा तो होवे के चम चट्टा से पेट में कैंसर के केकरा करके, केकरा करके क्यों में उतार बयाम साथी रे, ओई बोगी घूम रही है, ई बोगी का दे सामान का उतार सामान किल में को कोयला को बड़ा उतार ले। हां एक देख ले कि लड़ाई झगड़ा करे छले पति रे, लड़ाई करे थप्पड़ मार लगे, थप्पड़ मार, हां थप्पड़ मार लगे, पता नहीं मतलब देख ले चिल्ला चिल्ली थप्पड़ नहीं मारा था एक को, आप नहीं थे दूसरा को, थप्पड़ पर चला दिया सर, थप्पड़ चला दिया मारो कल क्या था को? एक थप्पड़ नहीं मारा था, वो बोलती है कि मतलब तुम कैसे मार ला, हां थप्पड़ मार दिया सर, कैसे मार ले तुम वो, लेकिन पुलिस वाला नहीं था गुड मॉर्निंग मेरे रेल फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज चुके हैं और अब हमारी ये मौर्य एक्सप्रेस लगी हुई है बढ़िया में, बढ़िया में खड़ी है काफी देर से। हम नहीं उठते सीधा, उठते बरौनी में ही, लेकिन कुछ पुलिस वाले राइफलधारी जो सामान वामान लेके चढ़ते हैं उससे वसूली कर रहे थे, तो नींद खुल गया, बड़ा गजन है। लेकिन इस गाड़ी में भी गाड़ी देखिए, गाड़ी पूरा खाली है, रांची से ही खाली आ रही है,
ऐसे देखते हैं हमेशा इस गाड़ी में भीड़ रहता है, लेकिन पता नहीं इतनी क्यों खाली है। काफ़ी देर से लगी हुई बढ़िया में ये गाड़ी, मगर बहुत ही बेकार ट्रेन है। तो स्टॉपेज ज़्यादा है, ऊपर से टाइमिंग भी बढ़ा बढ़ा कर दिया हुआ है। वाशरूम देख लीजिए इस गाड़ी का, वाशरूम काफ़ी अच्छा साफ सुथरा है। कौन सी है? ओह अच्छा, देखिए दोस्तों यहाँ कटहल है, कटहल का बोरी बाथरूम में भी रखा हुआ है। अच्छा, जब आप लोग कटहल खरीदते होंगे बाज़ार से और खाते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कटहल है ये ट्रेनों के वाशरूम से होकर गुजरता है। ये कटहल वाली ऐसा ऐसा कटहल इस गाड़ी में बहुत सारा रखा हुआ है। बाकी वाशरूम देखिए, वाशरूम तो काफ़ी साफ सुथरा अच्छा है, पानी भी आ ही रहा है। गाड़ी का पूरा मार्केट डाउन है। चाचा देखिए यहीं सो गया है, ट्रेन खाली है फिर भी। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक बोरा रखा हुआ है कटहल, और यहाँ भी एक बोरा रखा हुआ है कटहल। यही सब सामान वाली से राइफलदारी 20-30-150 ले रहे थे। हाथीदा जंक्शन पहुँच चुकी है हमारी ये मौर्या एक्सप्रेस, और ये देखिए हावड़ा दिल्ली मेल लाइन। ये रहा हाथीदा अपर, जिस ओर से हम जाएंगे बरौनी। बहुत सारे सिपाही कर्मचारी यहाँ भी खड़े हैं। और आज में सिमरिया घाट कैसा दिखता है, गंगा नदी पर बना राजेंद्र पुल पार हो गए हम। सिमरिया पुल भी इसे हम लोग बोलते हैं। रोड कम रेल ब्रिज है, उस ओर देखिए बस ट्रक जा रही है, और नीचे नीचे हमारी है मौर्य एक्सप्रेस। ये गाड़ी है, कौन सी ट्रेन है, रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस जा रही है। मिथिला नहीं है ये, रक्सौल हावड़ा एक दूसरी ट्रेन है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन बरौनी जंक्शन। जियो हो बरौनी जंक्शन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उस ओर लगी हुई है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सिंपल सा सफ़र पसंद आया होगा, अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां से हम जाएंगे बेगूसराय की ओर। बाकी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए बिहार के बेगूसराय ज़िले के इस बरौनी जंक्शन से जय हिंद।